वृंदावन कुंभ आ रहे हैं तो कुंभ में अगर परिक्रमा नहीं लगाते तो आपका कुंभ थोड़ा थोड़ा अधूरा रहेगा। तो परिक्रमा मार्ग क्या है और परिक्रमा मार्ग की परंपरा क्या है वो हम महाराज जी से जानेंगे कि परिक्रमा क्यों लोग लगाते हैं और परिक्रमा मार्ग की महत्ता क्या है यहाँ पे। तो महाराज जी, ये परिक्रमा मार्ग का महत्व क्या है और क्यों देखता हूँ कि वर्षों से हजारों सैकड़ों लोग जो है परिक्रमा अनवरत लगाते रहते हैं। देखिए, मैं जहाँ तक जान पाया हूँ, जो महापुरुषों से परंपरागत जो मैं सुनता आ रहा हूँ वो मैं ये सुना हूँ, जैसे श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है नलकूबर मणिग्रीव की, तो उसमें भगवान व्यास ने लिखा है, वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम। परिक्रमा लगाने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हम अपने घर से जब चलते हैं तो वाणी हमारी भगवान का नाम लेती रहे, कान हमारे ये अन्यान्य संसार के विषय युक्त भाषा को छोड़ करके जो संतों की परंपरा की जो भाषा है, महामंत्र इत्यादि हैं, इनको हम लोग सुनते जाएं, कथाओं को सुनते जाएं, और पाम हमारे जो अन्यान्य अपराधों के लिए जो चलते हैं उन अपराधों से थोड़े बच कर के इस पावन भूमि पर परमात्मा को अपने दाहिने अंग में विराजमान करके उसकी परिक्रमा लगाएं। मैं एक परंपरागत इसका अनुवाद और भी सुना था, इसका नाम है परिक्रमा। हे भगवान, मैं आपको आपके परिकर के सहित, जो भी आपका परिकर है, मैं परिकर के सहित आपको दाहिने लेकर के और मैं आपको नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। मैंने जो संतों से जो सुना, जब भगवान बलराम जी ने श्री सूत जी का वध कर दिया तब उनको ब्रह्म हत्या का एक क्रोध पातक लगा। फिर उन्होंने पूछा कि भाई इस पातक का उपशमन करने के लिए, समाप्ति करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो संतों ने उनको कहा कि आप परिक्रमा करिए। तो ये जो ब्रज है, इस ब्रज की 84 कोस का जो ये क्षेत्रफल है, भगवान बलराम जी ने 84 कोस क्षेत्रफल का पद से माने परिक्रमा की और हरि नाम मंत्र का जप किया और यहाँ की जो पवित्र भूमि है उस भूमि की रज को उन्होंने स्वीकार किया। अब फिर मैंने ये भी सुना कि यहाँ की इस भूमि में इतनी पवित्रता कैसे आई, उसे रज को इतना महत्व क्यों देते हैं। तो इसके लिए भगवान कृष्ण जब यहाँ से द्वारिका चले गए तो 100 वर्ष का अंतराल हुआ। उस 100 वर्ष के अंतराल में श्री कृष्ण के वियोग में यहाँ की जो महिलाएं थीं, जिनको हम लोग गोपी कहते हैं या तो ग्वाल कहते हैं, उनका जो निजी परिकर था, ये सब लोग इतने रोते थे श्री कृष्ण के वियोग में। सूरदास जी ने लिखा कि हे कृष्ण, आपके बिना हमारे नेत्रों से अनवरत जो आंसू गिरते हैं, आंसू पहुँचते पहुँचते ये कर कपोल है कारे, तो हमारे काल और हाथ आंसू पहुँचते पहुँचते काले हो गए। तो वो बिंदु जो इतना गिरता था नेत्रों से कि यहाँ की भूमि जो थी वो कीचड़ रूप में हो गई। सुना मैंने ये है कि अगर ईश्वर के वियोग में एक बिंदु भी आँख से गिरता है तो सोमन गंगा जल के समान पवित्र होता है, और वो 100 वर्ष तक नेत्रों से वो अनवरत धारा जो बहती रही तो यहाँ की ये भूमि पवित्र ही नहीं अति पवित्र हो गई। तो इस हेतु इस रज का महत्व है और बलराम जी के द्वारा ये 84 कोसीय परिक्रमा का सबसे पहले परिक्रमा लगाई गई। उस परिक्रमा से फिर यहाँ पर ये नित्य ही 100-200-500 लोग तो ऐसे हैं जो नित्य परिक्रमा करते हैं, और पर्वों पर तो इतनी भीड़ होती है कि यहाँ से ये रोड क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाता है, 2-4 मिनट यहाँ खड़े होकर के प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो मैंने परंपरा से सुना वो मैंने